देश में हर रोज अलग अलग जगह अलग अलग किस्से घटते हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिसे सुनकर लगता है कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या वाकई में इस तरह के लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अभी जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ या जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सुनकर भी आपको यही लगेगा कि कैसे एक बंदे के दिमाग में फिल्मी आइडिया आया और उसने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हुए अपनी बीवी तक का मर्डर कर दिया। ये कहानी है उस लड़के की जो कर्ज में डूबा था, 50 से 60 लाख रुपए कर्जे में था ये लड़का, और अब लेनदार जो है वो परेशान करने लगे थे, जिसके बाद लड़के ने एक प्लान बनाया। मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है। वहां पर रहने वाले बद्रीलाल के ऊपर पिछले कुछ सालों में कर्जा हो गया। अब बद्रीलाल के ऊपर जो कर्जा हुआ वो चुकाने में बद्रीलाल असमर्थ था, लेकिन कर्ज से वो बड़ा परेशान चल रहा था। इसी बीच बद्रीलाल को एक आइडिया सूझता है कि क्यों ना अपनी बीवी का बीमा करवा दूं और फिर बीवी की हत्या करवा दूं और हत्या को एक एक्सीडेंट घोषित करके मैं उस बीमे की रकम से अपना कर्जा भी उतार लूंगा। जिसके बाद बद्रीनाथ ने यही काम किया, उसने अपनी पत्नी का 35 लाख रुपए का बीमा करवाया और उसके बाद अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची। बकायदा पत्नी को मरवाने के लिए शूटर्स मंगवाए गए, प्रोफेशनल शूटर्स को 5 लाख रुपए की सुपारी दी बद्रीनाथ ने, और ये 5 लाख रुपए भी उसने उधार ही लिए थे कि एक बार बीवी मर जाए, बीमे का पैसा आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। बद्रीनाथ ने बीमे के पैसे को जल्दी क्लेम करने के तरीके YouTube पर और सोशल मीडिया पर ढूंढे और उसके बाद उसने प्लान बनाया कि पत्नी को घर से लेकर निकलूंगा बाजार के लिए, रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना करूंगा और वहीं पर शूटर से उसको मरवा दूंगा। यही कुछ किया बद्रीनाथ ने। 26 जुलाई को 9:30 बजे वो अपनी पत्नी पूजा को लेकर निकला और रास्ते में उसने गाड़ी खराब होने का बहाना कर दिया। इसी दौरान 4 शूटर जो पहले से ही वहां पर खड़े थे उन्होंने पूजा को शूट कर दिया। पूजा की वहीं पर डेथ हो गई। इसके बाद बद्रीनाथ ने उन शूटर्स को कहा कि लट से मेरी कमर पे भी मारो ताकि मैं इसे हत्या का रूप पुलिस के सामने दिखा सकूं। जिसके बाद हत्यारों ने वही किया और उसके बाद वो भाग गए। इधर बद्रीनाथ ने पुलिस में कंप्लेंट की और कहा कि मेरे मौसेरे भाइयों ने मिलकर मेरी पत्नी को मार दिया है और मेरे साथ भी मारपिटाई की है। जिसके बाद पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया और हत्या का मुकदमा चलाया। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की और जो 4 लोग थे जो पहले से ही नकार रहे थे कि हमने हत्या नहीं की है, उनके मोबाइल की लोकेशन की जांच की गई तो जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था इन चारों की मोबाइल की लोकेशन वहां की नहीं बताई। जिसके बाद पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि बद्री प्रसाद झूठ बोल रहा है, जिन 4 लोगों का नाम उसने दिया वो 4 लोग तो इस हत्या में लिप्त है ही नहीं। पुलिस ने फिर बद्री प्रसाद को तरीके से पूछा, जिसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो अपनी पत्नी को मारकर उसके बीमा के 35 लाख रुपए लेना चाहता था ताकि उसका कर्जा उतर जाए, और इन्हीं सब चीजों में वो उलझ गया और इस चक्कर में उसने अपनी पत्नी की हत्या तक की सुपारी दे डाली। जिस किसी ने ये कहानी सुनी वो शॉक्ड रह गया और यही कहने लगा कि इंसान के दिमाग की उपज आजकल किस दिशा में चल रही है, पागल हो गया है आदमी पैसों के पीछे।